देखिए बड़े ही प्यार से बनाया गया ये मोहब्बत का शरबत बनके रेडी हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू गाइस। तो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे से हैं। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आपका हमारे खाने के दीवाने चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद और स्वागत है। और आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मोहब्बत का शरबत। और इस गर्मी में, तड़ाके वाली गर्मी में, बहुत ही प्यार से और बहुत ही ठंडा ठंडा बनाया हुआ ये मोहब्बत का शरबत की रेसिपी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया है 1 लीटर दूध भैंस का, आप लोग कोई भी दूध ले सकते हैं। और फिर इसमें डाल दिया है हमने बर्फ़, ठंडा ठंडा बर्फ़, और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही नीडेड है ये मोहब्बत का शरबत। और फिर इसमें हम लोगों को डाल देना है, बिल्कुल इस चम्मच के नाप से हम लोगों को डाल देना है 2.5 चम्मच रूह अफ़ज़ा। हम लोग अपनी क्वांटिटी अपने परिवार के हिसाब से डाल रहे हैं और दूध भी वही हिसाब से लिया, आप लोग अपने परिवार और क्वांटिटी के हिसाब से डालना। तो और फिर हम लोगों को इसको एकदम अच्छा मिक्स दे देना है। और रूह अफ़ज़ा तो बहुत ही रमज़ान में काम आता है। और गाइस मैं बता रही हूँ ये मोहब्बत का शरबत बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसको एकदम अच्छे से हम लोग को एक मिक्स दे देना है, अच्छे से मिला लेना है। और सब्ज़ा भी इसमें पड़ेगा, सब्ज़ा भी ऐड करना है और वाटरमेलन भी पड़ेगा। तो और सब्ज़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रेसिपी के लिए। और आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग सब्ज़ा ऐड करना, कुछ लोग नहीं खाते हैं सब्ज़ा तो वो नहीं ऐड करते हो, कोई भी फ्रूट वाटरमेलन की जगह आप ऐड कर सकते हैं। और फिर ये नाप के हिसाब से हम लोग को 1 कटोरी हमने भर के इसमें शक्कर ऐड कर चुके थे। और फिर उसके बाद सब्ज़ा भी हम लोग को ऐड करना है इसमें। मैंने बोला है अगर आपको पसंद हो सब्ज़ा तो आप ऐड करना, इससे शरबत का लुक और ये टेस्ट भी एकदम बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें सब्ज़ा भी ऐड करेंगे। फिर हम लोग इसमें 3 चम्मच हम लोग ने सब्ज़ा इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम लोग सब्ज़ा मिला के, सब्ज़े को ऐड करके इसको एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे वाटरमेलन छोटे छोटे पीस काट के, कलिंगड़ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और कलिंगड़ ऐड करते ही हम लोग बिल्कुल मोहब्बत से इस शरबत को मिला देंगे। और बहुत ही मोहब्बत से बना हुआ ये अम्मी और बहन के हाथ का हमारे घरों में शरबत बनके रेडी हो चुका है। आप भी अपने घरों में बिल्कुल बनाना और इसका टेस्ट ही एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो ये तो मैं अफ्तारी के पहले बना रहे थे हम लोग, तो बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा था, बट फिर इंशाल्लाह अफ्तारी में ज़रूर इन्जॉय करेंगे इसे। आप लोग को भी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और इस रेसिपी को शेयर करना अपने दोस्तों से। कुरान करीम में हमें अपनी दुआओं में याद रखना और हमारे साथ साथ फ़लस्तीन के लिए भी बहुत दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबत हटाए। और हसबुनल्लाह व नीमल वकील बहुत ही कसरत से पढ़ना, और बेशक अल्लाह ताला एक है और वो अकेले इस पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है। तो हम सबको दुआओं में याद रखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये हम लोग ग्लास में निकाल के रेडी हो चुके थे, माशाल्लाह ये बहुत टेम्प्टिंग लग रहा था। तो चलिए रेसिपी को ट्राई करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।